अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। रेप की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं के साथ साथ अब बच्चे भी खतरे में हैं। कई बार रेप इसलिए सफल हो जाता है क्योंकि पीड़ित के पास सही समय पर कोई पहुंच नहीं पाता है। ऐसे में भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा सेंसर बनाया है जिसके जरिए मुश्किल हालात में आसपास के लोगों और जान पहचान के लोगों को मैसेज भेजकर अलर्ट किया जा सकता है। इस सेंसर को कपड़े पर स्टिकर की तरह लगाया जा सकता है। इस सेंसर में एक ब्लूटूथ लगा है जो कि स्मार्टफोन ऐप से जुड़ा होता है। सेंसर का एक वीडियो भी MIT मीडिया लैब की तरफ से YouTube पर अपलोड किया गया है जिसे 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यह सेंसर मनीषा मोहन ने बनाया है जो कि मिट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हैं। यह सेंसर जबरन शरीर से कपड़ों को हटाने की गतिविधि को भांपकर आसपास को लोगों, दोस्तों और परिवार वालों को मैसेज भेजता है। यह सेंसर 2 तरीके से काम करता है, पैसिव और एक्टिव मोड में। पैसिव मोड में यह मैनुअली काम करता है। लड़की इसका बटन दबाकर आसपास के लोगों को अलर्ट कर सकती है। अलर्ट भेजने पर तेज अलार्म बजेगा या दोस्तों को कॉल लग जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह ब्लूटूथ स्मार्टफोन ऐप से जुड़ा होता है। एक्टिव मोड में यह सेंसर बाहरी सिग्नल्स के जरिए खतरे का अंदाजा लगाता है। अगर कोई जबरदस्ती कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है तो यह सेंसर उसके स्मार्टफोन पर एक मैसेज भेजता है जिससे सेंसर यह तय करेगा कि लड़की होश में है या नहीं। अगर मैसेज का जवाब 30 सेकंड में नहीं आता है तो आसपास के लोगों को अलर्ट करने के लिए फोन तेज आवाज करने लगता है। अगर यूजर इस अलार्म को 20 सेकंड के अंदर बंद नहीं करता तो ऐप यह मान लेता है कि वह मुसीबत में है। इसके बाद वह उसके परिवार और दोस्तों के पास डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना शुरू कर देता है जिसमें पीड़िता की लोकेशन का पता चलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।